दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हैं तो एक डाउट हमेशा मन में रहता है कि हमें फैक्ट्री फिनिश मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहिए या कारपेंटर को हायर करके मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है कि क्या वो फैक्टर्स हैं और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर कर लेना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। इस वीडियो के एंड में आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपकी सिचुएशन और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है, कारपेंटर वाला या मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश वाला। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि फैक्ट्री फिनिश और कारपेंटर किचन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो जो कारपेंटर फिनिश किचन रहता है उसके अंदर आपको इस तरह की प्लाईवुड बाय करनी रहती है, इस तरह से लैमिनेट्स बाय करनी रहती है, इस तरह की लैमिनेट शीट बाय करनी रहती है। और जो कारपेंटर है वो आपके घर पे आके इस प्लाईवुड को यूज़ करके साथ में फेविकोल कील वगैरह नेल्स वगैरह यूज़ करके आपके वहाँ पे शटर जो है, मतलब जो किचन के ऊपर लगने वाले पल्ले हैं और अंदर का कैबिनेट है यानी कि जो बॉक्स है, ये आपके घर में तैयार करता है। इस चीज़ को जो है कारपेंटर मेड किचन बोला जाता है। और जो फैक्ट्री फिनिश किचन है उसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है मशीनों द्वारा तैयार की जाती है। वहाँ पे कोल्ड प्रेस मशीन रहती है, जैसा कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, इस तरह की कोल्ड प्रेस मशीन रहती है और साथ में एज बेंडिंग की मशीन रहती है और इसको कटिंग करने के लिए सॉ पैनल रहता है। तो इस तरह की मशीनरी से जो है आपका शटर तैयार होता है। तो आपके पास जो आता है वो फिनिश्ड मटेरियल आता है, इस तरह का जो है फिनिश्ड मटेरियल आपके यहाँ पे किचन का शटर बना हुआ आता है ऑलरेडी। आपको ये चीज़ आपके कारपेंटर से नहीं बनवानी रहती। तो इस तरह की जब किचन बनाई जाती है तो उसको फैक्ट्री फिनिश बोला जाता है। साथ में ही जो कारकेस रहता है यानी कि जो कैबिनेट बॉक्स बनाया जाएगा, ये जो बॉक्स रहता है अंदर वाला, ये भी फैक्ट्री से कंप्लीट होके आता है, जिसको डोवल्स और मिनी फिक्सर, जैसा कि आप मेरे साइड में देख रहे हो, इस तरह के डोवल्स और मिनी फिक्सर आते हैं, इसके जरिए असेंबल्स और डिसअसेंबल किया जा सकता है इजीली। इसको बोला जाता है फैक्ट्री फिनिश किचन। तो दोस्तों ये जो एक कारपेंटर किचन में और फैक्ट्री फिनिश किचन में एक बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों इसी से जुड़े हुआ जो फैक्टर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो ये है कि अगर आपको फिनिशिंग बहुत बढ़िया चाहिए, जैसा कि आप ये देख रहे हो, इस तरह की स्मूथ फिनिशिंग चाहिए एजेस के ऊपर जो राउंड रहती है, तो आपको फैक्ट्री फिनिश किचन पे जाना चाहिए। अगर आप एजेस जो ऐसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरह के एजेस में भी आप ओके हो फिनिशिंग को लेकर के, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कारपेंटर किचन को भी बनवा सकते हो। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा कि फिनिशिंग ऑफ द शटर एंड कारकेस किस तरह का चाहिए, उसके ऊपर अपना डिपेंड करेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो रहता है कि फिनिशेस की अवेलेबिलिटी। अगर अपन फैक्ट्री फिनिश की बात करें तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ फैक्ट्री फिनिश में शटर की अवेलेबिलिटी रहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि लैमिनेटेड शटर्स रहता है, ग्लास शटर्स रहता है, सॉफ्ट मैट रहता है, मेम्ब्रेन रहता है, पॉलीग्लास रहता है, एक्रेलिक रहता है, काफ़ी सारे शटर्स की वाइड चॉइसेस जो हमारे पास रहती है मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश कराने में, क्योंकि फैक्ट्री में काफ़ी सारी फिनिशेस बनाई जा सकती है। वहीं अगर अपन कारपेंटर की बात करें तो उसमें लिमिटेड चॉइस रहती है, या तो आप लैमिनेट लगा लीजिए या पीवीसी लैमिनेट लगा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो एक्रेलिक लगा लीजिए। तो लिमिटेड चॉइस के साथ काम कराना है तो कारपेंटर किचन पे जा सकते हैं। अगर अपने को थोड़ा सा वाइड वैरायटी में से सिलेक्शन करना है किचन के अंदर तो अपन फैक्ट्री फिनिश पे जा सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग। तो दोस्तों बेसिकली मॉड्यूलर किचन सा मैंने बताया आपको, डोवल मैन्युफैक्चरर से फिट होता है, सारा कुछ फैक्ट्री फिनिश रहता है, तो इसको डिसअसेंबल कर सकते हैं। मतलब ये जो पूरा का पूरा कैबिनेट है इसको आप खोल सकते हो, खोल के डिसअसेंबल करके पैनल्स में कन्वर्ट करके कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप रेंटल पर्पज से बनवा रहे हो या फिर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें बार बार आपको शिफ्टिंग रिक्वायर्ड रहती है, तो आप मॉड्यूलर किचन को प्रेफर करें, फैक्ट्री फिनिश वाली को प्रेफर करें। उसमें आपको शिफ्टिंग करना ईजी रहेगा, क्योंकि जो फिटिंग्स आती हैं, जो एसेसरीज आती है इसको यूज़ करने के लिए, वो उसको डिसअसेंबल करके असेंबल करना ईजी रहता है। लेकिन अगर आपके लिए परमानेंट हाउसिंग है, अगर आप अपने किचन को परमानेंट अपने रहने के लिए फिक्स बनाने जा रहे हो, तो उस केस में आप जो है आपकी कारपेंटर किचन को भी बनवा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो स्टिल स्थाई रहने वाली है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्कोप ऑफ ऑल्ट्रेशन। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि मॉड्यूलर किचन जब फैक्ट्री फिनिश होती है तो उसका पहले एक डिज़ाइन तैयार होता है, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में ऑर्डर लगाया जाता है। तो जब आपने डिज़ाइन फाइनल कर दिया उसके बाद में आप डिज़ाइन के अंदर या किचन के अंदर ऑन साइट ऑल्ट्रेशन नहीं करवा सकते, ये मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश की एक लिमिटेशन है। जबकि अगर आप कारपेंटर से अपने किचन को तैयार करवा रहे हो तो एनी टाइम, एनी कोर्स ऑफ टाइम, जब भी आपका किचन तैयार हो रहा है उस दौरान भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप कारपेंटर से करके एड ऑन करवा सकते हो। तो ये जो है एक मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश का ड्रॉबैक है और कारपेंटर किचन का प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे आप ऑल्ट्रेशन करवा सकते हो एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर।
दोस्तों अब दो ऐसे पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला पॉइंट है कि ऑन साइट वर्किंग में टाइम कितना लगेगा। तो बेसिकली अगर आप कारपेंटर किचन में जा रहे हो तो एक मिनिमम 15 डेज से लेकर के 1 मंथ तक ऑन साइट वर्किंग, मतलब आपकी किचन के अंदर वर्किंग होगी अगर आप कारपेंटर से अपने किचन को तैयार कराने जा रहे हो तो। वहीं अगर अपन इसको फैक्ट्री फिनिश में बात करें तो ऑन साइट वर्किंग 2 दिन से लेकर के 7 दिन तक रहती है, डिपेंडिंग अपन आपकी किचन की साइज कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहेगी। तो अगर आप बात करें कि आपके साइट पे मैस कितना होने वाला है, क्लटर कितना होने वाला है, गंदगी कितने होने वाली है, तो वो फैक्ट्री फिनिश किचन में बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर अपन बात करें कारपेंटर किचन में तो आपको पता है उसके अंदर काफी सारी नॉइस भी रहती है, क्लटर भी रहता है, मैस भी रहता है, क्योंकि उसके अंदर प्लाई कटिंग रहती है, आपको लैमिनेट भी वहीं पेस्ट करनी है, फेविकोल भी लगाना है, तो काफी सारा टाइम भी उसके अंदर जाता है। तो अगर आप जॉब है, आप न्यूक्लियर फैमिली में है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप फैक्ट्री फिनिश को प्रेफर करें। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है और कोई ना कोई उसको लुक आफ्टर कर सकता है कारपेंटर वर्किंग को, तो आप कारपेंटर किचन बनवा सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है कि टाइम की कमी है तो मॉड्यूलर पे जाना है, फैक्ट्री फिनिश पे जाना है, और टाइम है तो आप कारपेंटर पे जा सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कॉस्ट एस्टिमेशन। मतलब अगर आप फैक्ट्री फिनिश मॉड्यूलर किचन पे जा रहे हैं तो जो किचन कंपनीज रहती है वो जनरली आपको बिल्कुल एक्यूरेट किचन की कॉस्टिंग डिजाइन के अकॉर्डिंग पहले ही दे देती है, जो कि फिक्स रहती है और वो चेंज नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि साइट कंप्लीशन के बाद वो चेंज हो गई। लेकिन वहीं अगर अपन कारपेंटर फिनिश किचन की बात करें तो उतना एक्यूरेट एस्टिमेट हमें पहले नहीं मिल पाता, एक अंदाजा मिल पाता है। फिर बाद में जैसे हम किचन बनवाते हैं वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग जो है वो इंक्रीज भी आती है, कई बार डिक्रीज भी आती है, डिपेंडिंग ऑन अगर आपने कुछ एड ऑन करा दिया या फिर मान लीजिए कारपेंटर ने कैलकुलेशन सही से नहीं करी तो वो उसके अंदर स्कोप ऑफ प्राइस चेंज, प्राइस ऑल्टरेशन ज़्यादा होता है, आपको फिक्स प्राइस पहले नहीं मिल पाती। वो एक अपना मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री फिनिश का बेनिफिट है कि आपको अगर प्राइस फिक्स करके काम करवाना है तो आपको वो फैक्ट्री फिनिश में ज़्यादा बेटर तरीके से मिल पाएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्डवेयर फिक्सेशन और उसकी वैरायटी। तो बेसिकली दोस्तों मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, काफ़ी सारे प्रीमियम रेंज के हार्डवेयर आजकल आने लग गए हैं, जैसे कि बाइफोल्ड लिफ्टअप आता है। बाइफोल्ड लिफ्टअप कैसा होता है, इस तरह का बाइफोल्ड लिफ्टअप आता है, इस तरह का यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये रोलिंग शटर्स आते हैं, है ना, और इसके अलावा जो है आपकी टैंडम ड्रॉर्स आती हैं, इस तरह की काफ़ी काफ़ी सारे प्रीमियम जो है हार्डवेयर फिटिंग्स आजकल आने लग गई हैं। तो इस तरह की फिटिंग्स जब अपन यूज़ करते हैं तो ये फैक्ट्री फिनिश वाले जो किचन रहते हैं उसमें इंस्टॉलेशन टीम स्किल्ड रहती है, उनको ये सब चीज़ें फिट करने में काफ़ी अनुभव रहता है क्योंकि उनका काम किचन बनाने का रहता है। तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो अच्छे से उसको फिट कर पाएंगे और आपको ज़्यादा अच्छी हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन दे पाएंगे। तो इस तरह के अगर आप हार्डवेयर प्रीमियम कैटेगरी के यूज़ करना चाह रहे हैं तो फैक्ट्री फिनिश को प्रेफर करें। अगर आप बेसिक किचन बनवाना चाह रहे हैं तो आप कारपेंटर के ऊपर जा सकते हैं। मैं इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सभी कारपेंटर को नहीं आता, बट मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट करोगे 100 को तो 60-70% को इन सब चीज़ों की फिटिंग्स नहीं आती। लेकिन आजकल ये हो गया है कि काफ़ी सारे कारपेंटर भी एडवांस लेवल की स्किल्स को अडॉप्ट कर चुके हैं और वो इस तरह की मॉडर्न फिटिंग्स को लगाना जानते हैं। तो ऐसा अगर आपको कोई कारपेंटर मिल जाता है तो आप कारपेंटर को भी हायर कर सकते हो। तो दोस्तों कारपेंटर फिनिश किचन हो या फैक्ट्री फिनिश किचन हो, हमारा जो माइंडसेट रहता है एज ए कस्टमर, आपको ये चाहिए कि आपका किचन आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी कलर चॉइसेस के अनुसार और उसकी लुकिंग एस्थेटिकली और फंक्शनली किचन बेटर बने। तो दोस्तों इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो, यानी कि आप चाहे किचन फैक्ट्री से बनवाएं चाहे आप कारपेंटर से बनाएं, उसका प्री डिज़ाइनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास प्री डिज़ाइनिंग है तो 70-80% चांस बढ़ जाते हैं कि आपका किचन बनने के बाद में काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा, चाहे वो आप कारपेंटर से बनवाएं चाहे वो फैक्ट्री फिनिश करवाएं। अगर आपके पास डिज़ाइन इनिशियली आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है या फिर आपने उसको प्री विजुअलाइज नहीं किया हुआ है तो चांसेस हैं कि आपको 70% चांसेस है कि आपको उसको बनने के बाद में सेटिस्फेक्शन उतना नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक डिज़ाइनर को हायर करके अपने किचन का प्री प्लान ज़रूर बनवाएं, उससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप कारपेंटर के ऊपर भी जाना चाहते हैं तो अगर आप उसको प्री डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे तो उसको काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा और उसको उस तरीके से ढाल पाएगा जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने ये पर्सनली अनुभव किया है कि जब हम कारपेंटर को हायर करते हैं और कोई भी तरह का फर्नीचर बनवाते हैं, अगर उसको आप डिज़ाइन दे देते हैं तो एक बेसिक और मीडियम लेवल का कारपेंटर भी आपको बहुत अच्छा फिनिश में किचन को तैयार करके या दूसरे फर्नीचर को तैयार करके दे सकता है। कंपैरेटिवली अगर आप उसको डिज़ाइन नहीं देंगे तो आपको बार बार ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे जिसके कारण वेस्टेज भी बढ़ता है और किचन या अन्य फर्नीचर उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना बनाना चाहिए। तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ अपार्ट फ्रॉम डिसाइडिंग कि कारपेंटर पे जाना है या फैक्ट्री फिनिश पे जाना हो, एक पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट जो है उसमें डिज़ाइनिंग आपके पास होना चाहिए चाहे आप कोई से भी फर्नीचर पे जाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दोस्तों दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किचन का पार्शियल रिनोवेशन प्लान कर रहे हैं। दोस्तों पार्शियल रिनोवेशन का मतलब होता है आप स्लैब वगैरह एग्जिस्टिंग रखने वाले हैं, या बीच में जो पार्टीशन है वो एग्जिस्टिंग रखने वाले हैं, आपकी किचन पुरानी है उसके अंदर कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं, या तो पार्शियली करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत रॉड्स लगानी, थोड़ा बहुत फर्नीचर कराना है, तो आप हमेशा कारपेंटर को ही हायर करें, उसके अंदर फैक्ट्री फिनिश पे ना जाएं, क्योंकि फैक्ट्री फिनिश में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। और अगर वो कस्टमाइजेशन के लिए मतलब आपके यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिविल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने फैक्ट्री वाले को बोलेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, उसको फिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए वहाँ पे कारपेंटर जिसके पास काफ़ी सारे जुगाड़ होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं फिटिंग करने के, वो ज़्यादा बेटर साबित होता है रिनोवेशन के वर्क में। तो अगर आप रिनोवेशन करने जा रहे हैं तो आँख बंद करके कारपेंटर को ही हायर कीजिए, फैक्ट्री फिनिश के चक्कर में मत पड़िए। तो दोस्तों अब बेसिक कंक्लूजन जो है मेरा वो ये है कि आप सबसे पहली चीज़ तो डिज़ाइन करवाइए, चाहे कोई भी फिनिश ऑफ किचन पे जाइए। दूसरे पॉइंट ये कि अगर आप बजट अपना हाई एंड लेके चल रहे हैं तो फैक्ट्री फिनिश पे जाइए, क्योंकि जो उसके अंदर वैरायटी, हार्डवेयर की वैरायटी और जो आपको फिनिशेस मिलने वाली है उसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मतलब सेम चॉइस के लिए, सेम वैरायटी के लिए तो लगभग चार्जेस सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रीमियम क्योंकि उसके अंदर चॉइसेस अवेलेबल है उनके ऊपर ऑप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप बजट हाई एंड पे लेके चल रहे हैं, लग्जरी किचन बनाना चाह रहे हैं तो फैक्ट्री फिनिश पे जाइए। अगर आप बेसिक किचन विद बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक ड्रॉअर सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो कारपेंटर किचन पे जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब रही बात उसकी कारपेंटर किचन में जो दो तीन ड्रॉबैक्स हैं, जैसा कि एक तो प्री डिज़ाइन नहीं होता, तो उसके लिए मैंने आपको बताया आप ऑनलाइन किचन की डिज़ाइन करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, उससे आपको कारपेंटर को डिज़ाइन देने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ होती है फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग के लिए दोस्तों जो एज बेंडिंग टेप रहती है वो कैसे लगानी है, कारपेंटर के द्वारा अच्छी फिनिशिंग कैसे लेके आनी है, उसके ऊपर हमारा एक वीडियो है जिसके अंदर हम एक एज बेंडिंग ट्रिमर और पीवीसी की एज बेंड यूज़ करके आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप फिनिशिंग ला सकते हो, तो वो यूज़ करा जा सकता है। और जो तीसरी ड्रॉबैक है आपका किचन कारपेंटर किचन का, कि कारपेंटर किचन में आपको प्री एस्टिमेशन नहीं होता, तो वो भी जैसा हमारी ऑनलाइन सर्विस है, डिज़ाइनिंग कराने के साथ साथ आप एक एस्टिमेशन भी ले सकते हो कि टेंटेटिवली आपकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, तो उसके जरिए आप अपनी ये दोनों लिमिटेशन को कवर करके कारपेंटर को हायर करके भी एक इकोनॉमिक ग्रेड की किचन बनवा सकते हो। अगर आप बेसिक किचन बनवाना चाह रहे हो जो ड्यूरेबल भी रहे और कॉस्ट फ्रेंडली भी रहे, तो कारपेंटर किचन एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप लिमिटेड चॉइसेस के साथ में अच्छा किचन बना सकते हो। और अगर आपको प्रीमियम किचन चाहिए तो मॉड्यूलर फैक्ट्री फिनिश पे जाना चाहिए। तो ये मेरा बेसिक आज का कंक्लूजन था, आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग मैटर है, इसमें एकदम क्लैरिटी लाना मुश्किल है, लेकिन आपकी क्या कंडीशन है उसके हिसाब से आप फैक्टर्स को डिसाइड करके ये डिसीजन ले पाओगे कि भाई आपके लिए कौन सा वाला बेटर है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।